देखें ये बस एक बंदा आसानी के साथ बेलता जाता है और निकालता जाता है, ये बहुत जल्दी बेली जाती है। ये देखें कितनी फटाफट ये इतनी ज़बरदस्त पूड़ियाँ बन जाती हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चने तैयार हो गए हैं। अब हम हलवा डालेंगे। माशाल्लाह देखिए हमारा हलवा कितना ज़बरदस्त है। अस्सलाम-ओ-अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम बनाएंगे हलवा पूड़ी और चने, जो बहुत मज़े की और बहुत आसान है। तो ये मैंने देखें आलमोस्ट 800 ग्राम ये मेरे पास मैदा, इसको स्ट्रेन कर लिया। अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैं सॉल्ट डालूँगी। और अब इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो है बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं, बेकिंग सोडा नहीं। तो ये मेरे पास टेबल स्पून है, तो मैं ये हाफ डाल रही हूँ जी। हम सॉफ्ट वाली पूड़ियाँ बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए इधर इसमें बस यही दो चीज़ें जाएंगी, ड्राई, और हम इसमें कोई घी नहीं अभी डालना। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस योगर्ट है, 1/4 कप हम इसमें योगर्ट और नीम गर्म पानी जो है वो मैंने लिया है, तो वो इसमें डालते हुए थोड़ा थोड़ा हम सॉफ्ट सी डो बनाएंगे। एक ही बार में ज़्यादा नहीं डाल लेंगे, बस थोड़ा सा पहले डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे ना हमने बहुत सख्त गूंदना है और ना ही बहुत नरम। याद रहे कि इसमें हमने ऑयल इधर नहीं डालना, ऑयल या घी कुछ भी इधर नहीं डालना। बस इधर हम थोड़ी सी देर के लिए आटे की तरह गूंदेंगे, ये सिमट जाए। जी मैंने इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए गूंद लिया है जी। अब हम इधर 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, ये सारा इस पे यूँ डाल के, तो इसको हम इसकी सारी साइडों पे लगा देंगे। इस तरह ये बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा, और क्योंकि अब हमने इसे कवर करके रखना है तो इसके ऊपर ये ऊपर से ड्राई नहीं होगा। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 1/2 घंटे के लिए जी। अब हम चने बनाने जा रहे हैं, तो ये 1 कप बॉयल चने हैं मेरे पास वाइट, और ये 2 टेबलस्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये फ्राई ऑनियन है, ये मेरे पास फ्राई ऑनियन है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप एक जो है दरमियाने साइज़ का ऑनियन जो है ना उसको पहले फ्राई कर लेंगे इन्हें, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसकी दाल मैंने 1/3 जो कप है ना, ये इसको अच्छे से धो के भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी जो है बॉयल हो जाती है। तो इस तरह ये देखें मैंने इसको बॉयल कर लिया है, इसको मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें उतना ही पानी डाला था कि ऑलमोस्ट वो ड्राई हो गया। अगर इसमें थोड़ा हो भी पानी तो खैर है, उसमें वो यूज़ हो जाता है। और इसको मैंने मैश नहीं किया क्योंकि ये कुक होते हुए ही मैश हो जाएगी, ये बिल्कुल गली हुई है, इसको मैंने बॉयल कर लिया। इससे इस दाल से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, ये वैसे भी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो बाकी अगर ये ना हो या आप इसे स्किप करना चाहें तो आप ये वाले चने जो हैं इसमें ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लें, तो आप उसका तीसरा हिस्सा या उसमें से कुछ चने जो हैं लेके तो उनको आप ग्राइंड कर लेंगे। तो चलें जब हम स्टार्ट करते हैं जी। अब चूल्हे पे एक बर्तन रखा है, तो उसमें सबसे पहले मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ऑलमोस्ट इसमें 1/5 कप, आप समझ लें 1/4 भी नहीं, उससे थोड़ा कम है।
इसमें घी हो या ऑयल हो थोड़ा, बाकी दूसरी चीज़ों की निस्बत इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है जी। इसमें अब मैं एक छोटा टुकड़ा जो है वो दालचीनी कटा रही हूँ। और ये जो है कड़ी पत्ता मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, फ्रेश कड़ी पत्ता है। ये हो तो आप ये यूज़ ज़रूर किया करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ जी। इसको हम इधर हल्का सा तड़का लेंगे। तो अब हम इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में शेयर किया करें और कमेंट किया करें, बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगती है। जैसे ये थोड़ा गोल्डन होगा तो हम इसमें ये फ्राई ऑनियन डाल देंगे। इसमें कोई टमाटर वगैरह नहीं यूज़ होते हैं। अब हम इसमें बाकी स्पाइस डालेंगे। हाफ टी स्पून जो है उससे थोड़ा कम ही मैं टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ। वन टी स्पून जो है इसमें रेड चिली पाउडर। सॉल्ट जो है वो मैंने उस दाल में भी थोड़ा सा डाला हुआ था और चनों को बॉईल करते वक्त भी डाला, तो इसमें हम ये वन टी स्पून से थोड़ा कम ही रखेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ये 3/4 टीस्पून है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसमें थोड़ा पानी शामिल करके इसको भून लेंगे। पानी इसलिए डालते हैं ताकि स्पाइस जो है हमारे मसाला जो है वो जले नहीं और ये प्याज भी जो है वो अच्छा से भून जाएगा। इसमें हम कोई कश्मीरी मिर्च नहीं डालेंगे और ना ही टमाटर वगैरह डालेंगे क्योंकि इसका कलर हमने रेड नहीं रखना होता, थोड़ा डार्क थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा होता है चनों का कलर। तो अब हम इसमें ये चने ऐड कर देंगे, इनको इधर थोड़ा भूनेंगे इस मसाले के साथ। इसमें मैं 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ। ये 3 अदद साबुत ये छोटी हैं ये तीखी मिर्चियाँ होती हैं ये डाल रही हूँ। इसमें ये 4 टेबलस्पून मैं योगर्ट डाल रही हूँ, आप इससे कम भी कर सकते हैं। ये हमारा योगर्ट क्रीमी ही होता है, आप अच्छे से उसको बीट करके डालें। आंच इधर जो है मेरी मीडियम है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून भर के जो है चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। ये सब कुछ चने ऑलरेडी बॉयल हैं, वो दाल भी बॉयल है तो इसलिए इसमें देर नहीं लगती, ये जल्दी से जो है बन जाती है सालन। तो अब मैं इसमें ये वाली दाल डालूंगी। स्पाइस हम चेक कर लेंगे फिर इसके, ये तो थोड़ी देर इसको भूनेंगे। पहले ऐसे लगेगा कि जैसे घी कम है लेकिन ये इतना इनफ होगा, ये बाद में घी छोड़ देगा। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे इधर जी। अब हम इसमें हसब ज़रूरत पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा मैं पतला नहीं करूँगी, बाकी आप जितना चाहें इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा और डालेंगे, ये मैं गर्म पानी डाल रही हूँ कैटल में बॉईल करके।
सब मैं इसे 1 टीस्पून जो है ये गरम मसाला डाल रही हूँ। एंड पे डालने से इसकी खुशबू ज़्यादा आती है जी। उबाला आ गया इसको, तो अब हम इसकी फ्लेम जो है लो कर देंगे और इसमें ये धनिया डाल देंगे और इसको दम पे रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। हम बिल्कुल इसे दम पे रख देंगे जी। अब हम हलवा बनाएंगे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले पैन में थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मैं देसी घी डाल रही हूँ और इसमें मैं ये कुछ नट्स डाल रही हूँ, बादाम, पिस्ता और काजू। वॉलनट्स का जायका मुझे इसमें पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही। इनको थोड़ा सा हम इधर रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे, इससे ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका जायका जो है वो इन्हेंस हो जाता है। थोड़ी सी देर के लिए करेंगे। अब मैं इसमें ये किशमिश भी डालूंगी, इसको भी हल्का सा करेंगे इसके साथ। उस वक्त डाल दें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाना था। किशमिश को अच्छे से धो लें क्योंकि इसको धोना चाहिए जी। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मैंने इन्हें 1.5 मिनट किया है बस। कितने देखें हल्का सा कलर आया है। और मैं इसमें 1/2 कप देसी घी डाल रही हूँ। घी डाला है तो अब ये देखें कि मैंने एक प्याली जो है सूजी ली है, आपने माप लेनी है जिस बर्तन से। तो ये मैंने पहले से भी थोड़ी सी रोस्ट करके रखती हूँ। जितनी हमारी सूजी होगी उतनी उससे बल्कि मैं हाफ से कम शुगर जो है वो यूज़। ये मैंने ऑलमोस्ट 8 से 10 इलायचियाँ थी उनको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है जी। अब इससे खुशबू आना शुरू हो गई है तो अब हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे। आप घी ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसमें और ज़्यादा घी डाल सकते हैं, मैं इतना ही डाल दूँ जी। ये देखें सूजी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है, देखिए बिल्कुल लाइट हो गई है। तो आप अपनी मर्ज़ी का, मुझे इसका अपना नेचुरल कलर ही बहुत पसंद है। अगर आप इसमें कोई फूड कलर डालना चाहें तो जब पानी डालें तो उसमें कलर डाल सकते हैं। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। आप मीठा जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने जितनी सूजी थी उतना ही डाला है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर आप वाइट शुगर यूज़ कर रहे हो तो वो इससे कम डालेंगे, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी में इसमें गर्म ऐड कर रही हूँ। जिस बर्तन से आप सूजी मापेंगे उसके साथ ही 3 गुना पानी डाल देंगे, यानी 1 कप अगर सूजी है तो आप 3 कप पानी डालेंगे। ये मैं बॉयल पानी डाल रही हूँ। और जब आप पानी ऐड कर लें तो फ्लेम जो है आप उससे पहले ही लो कर लें और पानी ऐड करके तो उसे मीडियम फ्लेम पे कुक करें। जस्ट 2 पिंच जो है सॉल्ट डाल रही हूँ और इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भूनते जाएंगे जब तक कि ये घी ना छोड़ दे, ये सेपरेट हो जाए। देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर है। फ्लेम अब इसकी मीडियम टू लो है। अब हम इसमें ये नट्स भी डाल देंगे, थोड़े से मैं ऊपर डालने के लिए रखूँगी। ये देखें माशाल्लाह हलवा सेपरेट हो रहा है, हमारा भुन गया। ये देखें इससे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। माशाल्लाह
बहुत ज़बरदस्त बन गया है जी। ये देखिए हमारा हलवा भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है और ये हमारे इधर चने तैयार हो गए हैं। तो अब हम पूरी की तरफ जाते हैं जी। ये देखिए ये डो हमारी कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसे यहाँ से निकालते हैं, काउंटर टॉप पे रखते हैं। इसको ज़रा इसको खुश्का नहीं हमने इधर लगाना, ज़रूरत पड़े तो घी ही लगाएंगे। ये लगा हुआ है, इसको अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अभी थोड़ी बनाऊंगी। मैंने ऑयल जो है ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। मैं इसको ऐसे ही रोल करूंगी इस तरह, ये बहुत ज़्यादा इसका झंझट नहीं करना पड़ता। अभी मैं थोड़े ही बनाऊंगी, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। इसको मैं रख देती हूँ। तो इसको मैं रोल करूंगी। तो इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। याद रहे इसमें आपने खुशका बिल्कुल भी नहीं लगाना, ऑयल ही लगा के इसको हम बेल लेंगे। जी ये देखिए इस तरह हमने ये पेड़े बना लिए हैं। तो मैं सबसे पहले इधर ऑयल लगाऊंगी। ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप हाथ के साथ भी इसको कर सकते हैं जी। बेलनी को भी हम इधर ऐसे ऑयल ही लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत आराम से बेली जाएगी। इसको जितना चाहें पतला करें। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं करते हैं, इसको हल्का सा गोल्डन बस करते हैं, अदरवाइज़ ये वो सौगी सौगी सी हो जाती हैं। चलिए बस ये देखिए बहुत आराम से बेली जाती है। इसको ऐसे हम उठा लेंगे। तो ऑयल गर्म हो गया, तो अब हम ऐसे इसमें डाल देंगे और 30 सेकेंड एक साइड को करेंगे। तो गोल्डन बिल्कुल लाइट सा करना है, अगर ज़्यादा करेंगे ये देखिए बिल्कुल लाइट सा कलर चेंज हुआ है इसका। तो फिर 30 सेकेंड हम ये करेंगे और फिर हम इसको निकाल देंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो वो बिल्कुल सब ही जाती हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये बस एक बंदा आसानी के साथ बेलता जाता है और निकालता जाता है, ये बहुत जल्दी बेली जाती है। फटाफट हम इसे बेल लेंगे। बस इसी तरह हमने ये देखिए कितनी फटाफट ये इतनी जबरदस्त पूड़ियाँ बन जाती हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चने तैयार हो गए हैं। अब हम हलवा डालेंगे। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपके भी ऐसे ही परफेक्ट जो है पूड़ी और हलवा और चने बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।